लखनऊ के वजीर हसन रोड स्थित 5 मंजिला अलाया अपार्टमेंट गिरने के बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री और सपा विधायक शाहिद मंजूर के अली कोठी स्थित आवास पर दबिश डाली है। पुलिस ने शाहिद के बेटे निभाजेश को हिरासत में लिया है। पुलिस कमिश्नर SB शिरोडकर का कहना है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अन्य 2 फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। घटनास्थल पर टीम बड़ी पोकलैंड मशीन से मलबा निकाल रही है। बताया जा रहा है कि अभी 24 से 36 घंटे रेस्क्यू में और लग सकते हैं। लखनऊ से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। छत पे फोर्थ फ्लोर पे मेरा घर था। फोर्थ फ्लोर पे जैसे ही बस खड़ी पानी की बोतल लेके अपनी आप बिल्डिंग पूरी वाइब्रेट होते होते नीचे गिर गई। उससे पहले कंस्ट्रक्शन का काम हम चल रहा था और पूरा हम लोग तो 20-20 हज़ार रुपये लिए गए थे ताकि बिल्डिंग मेंटेन हो जाए। तो इस वजह से मेरी बिल्डिंग बहुत पुरानी और अजीब सी, पार्किंग की प्रॉब्लम, हर पानी की प्रॉब्लम, हर चीज़ की। तो 20-20 हज़ार रुपये लेके सबसे ये हो रहा था कि बिल्डिंग को ठीक किया जाए। तो कहाँ पर ठीक किया जा रहा था बिल्डिंग? नीचे नीचे वो, हाँ, तो जब नीचे वो जो मोटी वाली ड्रिल मशीन होती है उससे जो है छेद करने वाली से जब निकाला गया तो हम लोग को फोर्थ फ्लोर पे मतलब वाइब्रेट होता था। इसकी टीम ने वहाँ देखने की कोशिश की तो वहाँ किसी का होना नहीं पाया गया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ी वाली पोकलैंड मशीन से अब पूरा मलबा हटाया जाएगा और एक एक फ्लैट को, एक एक कोने को देखा जाएगा कि कहीं पर वहाँ किसी का अस्तित्व तो नहीं है। अब NDRF के अधिकारियों का ये कहना है कि ऑलमोस्ट 24 आवर्स या 20 आवर्स होने जा रहे हैं, तो संभावना बहुत कम है कि कोई जीवित हो। इसलिए बड़ी मशीन का प्रयोग करके वहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है और ये कार्य जो है कम से कम 24 घंटे चलेगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण काम हम कर रहे हैं कि वहाँ पर चूंकि जो परिवार रहते थे उनके वैल्यूएबल्स वहाँ थे, तो प्रशासन ने क्या टीम बनाई हुई है, सभी वैल्यूएबल्स को वहाँ एकत्रित करके वहाँ परिवारजनों को सपोर्ट किया गया।